राजस्थान में आपने सरकार रिपीट करने की बात की, दूसरी ओर पायलट साहब यात्रा कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? नमस्कार। आज आप यहाँ सुरेली पधारे हैं, क्या प्रयोजन है यात्रा का, किस प्रकार से कार्यक्रम है? देखिए, हमारे सीकर में पहले एडीजे रहे और फिर डिस्ट्रिक्ट जज राजेंद्र चौधरी साहब रहे, जिनकी सेवानिवृत्ति हुई है हाल ही में। तो आज इन्होंने कार्यक्रम रखा था, बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और हमेशा सबके साथ न्याय किया इन्होंने और अपने कार्यकाल में सीकर में इन्होंने सबका दिल जीता है और ईमानदारी के साथ में इन्होंने अपना सेवा काल पूरा किया है। तो ऐसे व्यक्ति को मैं समझता हूँ कि आज सेवानिवृत्ति के अवसर पर जब ये यहाँ पर धाम के ऊपर जो कार्यक्रम किया है, तो मैं, ये मेरे से बड़े हैं इसलिए मैं आशीर्वाद लेने आया हूँ। सही बात। कर्नाटक में कांग्रेस की शानदार जीत हुई है, कांग्रेस पार्टी से किस रूप में रहेगी आने वाले समय के लिए? देखिए, कर्नाटक में तो आप सबने देखा होगा कि पूरे देश में जिस प्रकार का वातावरण, जिस प्रकार का माहौल, जो बेरोजगारी को लेकर के है, जो संवैधानिक संस्थाओं को ख़त्म करने को लेकर के है, जो महंगाई को लेकर के है, वो राहुल गांधी जी की यात्रा भी निकली 4000 किलोमीटर, और सब चीज़ें देख रहे हैं कि जो हर वर्ग त्रस्त है केंद्र की मोदी सरकार से, और कर्नाटक में भी जो स्थानीय मुद्दे थे, क्योंकि वहाँ पर बहुमत कांग्रेस को मिला था 5 साल पहले, लेकिन उन्होंने बहुमत को चुराया, धनबल के आधार के ऊपर सरकार गिराई, तो लोगों में एक मौके की तलाश थी कि इन्होंने बहुमत को चुरा करके जनता के जनादेश का अपमान भी किया और बड़ी चोरी भी वहाँ पर पिछले 3.5-4 साल जो भी सरकार इनकी रही थी। और पूरे देश में अब जो मोदी जी ने वादे किए थे वो थोते साबित हुए, इसलिए पूरा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। कर्नाटक की नहीं, अभी 2023 में हम राजस्थान में भी लोगों का मन है सरकार रिपीट करेंगे, अच्छी योजनाएं हैं, अच्छे महंगाई रात कैंप जो चल रहे हैं, 10-10 गारंटी की योजनाएं हैं, गुड गवर्नेंस है और सारी चीज़ें हैं। तो 2023 में भी मध्य प्रदेश हो, चाहे यहाँ पर राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, कांग्रेस वापस आएगी और 2024 आप देखिए कि बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। राजस्थान में आपने सरकार रिपीट करने की बात की, दूसरी ओर पायलट साहब यात्रा कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? नमस्कार।